बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं ऑनलाइन उस्ताद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रजानवर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के बारे में डिस्कशन करूंगा कि आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कुछ सेटिंग्स करके अपने नेटवर्क में मौजूद इंटरनेट की मोबाइल डाटा को कैसे आप सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी किस्म की भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपने मुझे फॉलो करना है। मोबाइल फ़ोन में ही ऐसी सेटिंग मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप अपने मोबाइल डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आपने मोबाइल फ़ोन की इन सेटिंग्स को करने के लिए सबसे पहले अपनी सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर आपने कनेक्शन में जाना है। कनेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर ओपन करेंगे डाटा यूजेज को। डाटा यूजेज को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इन सेटिंग्स को अनेबल करेंगे जिनके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँगा। सबसे पहले आपने यहाँ डाटा सेवर को ऑन करना है। मैं यहाँ पर डाटा सेवर को अनेबल कर देता हूँ। डाटा सेवर को अनेबल करने के बाद नीचे कुछ एक ऑप्शन शो हो रही है, अलाउ एप्लीकेशन वाइल डाटा सेवर इज़ ऑन, कि जब आपका डाटा सेवर ऑन हो जाए तो किन किन एप्लीकेशन को आप अलाउ करना चाहेंगे। तो आपने इन सब एप्लीकेशन को यहाँ पर डिसेबल कर देना है। इन एप्लीकेशन को डिसेबल करने का मतलब ये होगा कि अगर आप इनमें से कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो जब आप यूज़ करेंगे उसी वक्त ही ये मोबाइल डाटा को यूज़ करेंगी। जैसे ही आप इनको बंद कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में किसी किस्म का कोई भी मोबाइल डाटा यूज़ नहीं करेंगी। ओके, ये थी पहली सेटिंग। उसके बाद आपने यहाँ पर मोबाइल डाटा को ऑन करने के बाद यहाँ पर इनकी सेटिंग्स करनी है मोबाइल डाटा यूजेज की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सेटिंग की हुई है कि अगर एक लिमिट सेट की हुई है, इसके अलावा एक वार्निंग की हुई है। फॉर एग्जांपल से अगर मैंने अपने इंटरनेट पैकेज लगाया हुआ 1 GB का, तो जैसे ही 1 GB पर यूजेज हो जाए तो ये मुझे बता देगा कि आपकी 1 GB यूज़ हो चुकी है, एक नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगी। और जब 900 MB यूज़ हो जाएगी तो मुझे एक डाटा की वार्निंग मिल जाएगी कि आपने 900 MB का डाटा यूज़ कर लिया हुआ है। तो इस तरह की सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पर इस सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप अपना बिलिंग साइकिल को यहाँ पर ऑन करेंगे। जिस दिन आप अपना पैकेज लगा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल से मैंने 20 तारीख को लगाया था, मैं 20 तारीख को सेट किया हुआ है। उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन में डाटा वार्निंग को भी अनेबल कर लेना है कि मुझे डाटा वार्निंग भी मिलनी चाहिए जब मैं मोबाइल डाटा को एक खास लिमिट तक यूज़ कर लूँगा। और आप नीचे बताएंगे कि कितने MB पर या कितने GB पर आपको डाटा वार्निंग मिलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ कि 900 MB पर मुझे डाटा वार्निंग मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा पैकेज 1 GB का है, तो डाटा वार्निंग 900 पर सेट कर ली गई। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है सेट डाटा लिमिट। मैक्सिमम लिमिट आप कितनी यूज़ करना चाहते हैं, कि आपका पैकेज कितने MB का या कितने GB का है, वो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका पैकेज कितने MB का है। तो मेरा पैकेज ये 1 GB का था तो मैंने इसको 1024 MB पर सेट किया हुआ। तो ये सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर रेड कलर की लाइन है, इसमें बताया जा रहा है कि आपकी डाटा लिमिट 1 GB है और आपकी डाटा वार्निंग है वो 900 MB की है। तो इन सेटिंग को करने के बाद आप अपने मोबाइल डाटा को मैक्सिमम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस आपका मोबाइल डाटा यूज़ करती हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन मोबाइल डाटा का यूज़ नहीं करेंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।